20वीं सदी में इस शेर को लिखने वाले साहिर लुधियानवी अगर आज जिंदा होते तो काफी मायूस होते। बीते 7 अक्टूबर को दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हुई। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यूं तो कभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं था, लेकिन इस बार इसराइली हमलों के बीच खुद इसराइल के यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं। युद्ध के 14वें दिन स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ इसराइल की सेना हमास पर लगातार हमला कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है हमास ने भी इसराइल पर हमला करना जारी रखा है। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग में अब तक हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। इस अत्याचार को देखते हुए इजरायली यहूदी लोग इजरायली करतूतों के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चारों तरफ जंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कोई माँ अपने जख्मी बच्चे को बाहों में पकड़कर मदद की गुहार लगा रही है, तो कोई बच्चा अपने परिवार के शव के पास बिलखता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने सिर्फ इन देशों के राजनेताओं को बल्कि पूरी दुनिया के देश को भी अलग अलग गुटों में बांट दिया है। इसराइल के खुद यहूदी लोग फिलिस्तीन पर हमलों के विरोध में हैं। यहूदी लोग सड़कों पर उतरकर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।